हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे कि जून जुलाई में कौन से फूल वाले पौधे अपने घर में हमें लगाने चाहिए, जिससे 12 महीने पौधा भी हमारा बना रहे और उसमें 12 महीने फूल भी आता रहे। और उसके केयर के बारे आपको बताऊंगी कि उन पौधों की केयर किस प्रकार करनी चाहिए, फर्टिलाइजर कितने कितने दिन में डालना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। क्योंकि अभी बरसात का सीजन चालू होने वाला है, तो लोग सबसे पहले 12 महीने वाले फूल के पौधे लगाना शुरू करते हैं। जो भी नर्सरी में आते हैं वो पूछते हैं कि दीदी, जो 12 महीने फूल दे सके वैसे पौधे हमें बताइए। तो आज मैं आपको ऐसे ही पौधों की जानकारी दूंगी जो आपको 12 महीने फूल भी देता रहे और पौधा भी आपका हरा भरा बना रहे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, वो कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें हमें अभी जाकर नर्सरी से खरीदना चाहिए और अपने घर में लगाना चाहिए। बारिश शुरू होते ही दोस्तों, आपको सबसे पहले एक्जोरा का पौधा खरीदना चाहिए। एक्जोरा में आपको दो वैरायटी मिल जाता है, एक आता है मिनी एक्जोरा और एक आता है हाइब्रिड एक्जोरा। हाइब्रिड एक्जोरा जो रहता है दोस्तों, आपको छोटे हाइट में फूल देता है और वो आप गमले में भी लगा सकते हो और 12 महीने फूल पा सकते हो। और जो देसी वाला एक्जोरा रहता है, उसका हाइट लंबा जाता है और वो थोड़े बड़े साइज का होता है। लेकिन लोग हाइब्रिड एक्जोरा ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा फूल भी आता है और हाइट भी छोटा रहता है। तो फूल तो दोस्तों ये 12 महीने आपको देता ही देता है। उसके बाद आपको लगाना है ये गुड़हल का पौधा। गुड़हल में दोस्तों अलग अलग कलर आ जाते हैं, तो ये है दोस्तों देसी गुड़हल। देसी में भी आपको रेड कलर और पिंक कलर आपको मिल जाते हैं और ये थोड़े बड़े हाइट के होते हैं, लेकिन 12 महीने हमें फूल देते रहते हैं। इसमें ज़्यादा खाद दवाई की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल के फूल रहते हैं, उसमें दोस्तों खाद दवाई समय समय पर डालना पड़ता है। अगर खाद दवाई हम नहीं डालेंगे तो हमारा गुड़हल नहीं खिलता है। और जो देसी वाला होता है वो बिना खाद दवाई के भी खिलता रहता है और उसमें बहुत सारी कलियां आती हैं, फूल आती हैं और ये 12 महीने फूल देता ही रहता है। और उसी में एक ये है, एक ये गुच्छे वाला गुड़हल है दोस्तों, और ये भी देसी में ही आता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में फूल देता है और लोग नर्सरी में इसे सबसे ज़्यादा खरीदते हैं। क्योंकि ये जब खिलता है दोस्तों तो एकदम गेंदा टाइप का दिखता है और गुच्छे वाला गुड़हल तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए लोग गुच्छे वाला गुड़हल ज़्यादा खरीदते हैं। क्योंकि हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हमें डेली फूल की ज़रूरत रहती है, तो यही एक ऐसा पौधा है जो हमें 12 महीना फूल देता ही रहता है। और इसे हम अपने घर में लगा सकते हैं, लेकिन गमले में लगाएंगे दोस्तों तो इसकी समय समय पर प्रूनिंग करना पड़ता है, नहीं तो ये एक डंगाल का लंबा सा हो जाता है। प्रूनिंग करने से ये बहुत ही घना पौधा होगा और छोटे हाइट में आपको फूल देगा। और उसके बाद है नाग चंपा का पौधा। नाग चंपा में दोस्तों गुच्छे में फ्लावर आते हैं और ये फ्लावर जल्दी सूखते भी नहीं हैं और बहुत दिनों तक खिले रहते हैं। और ये प्लांट बहुत ही सस्ता मिलता है और इसमें दोस्तों ज़्यादा मेंटेनेंस भी नहीं लगता है और इसके जो पत्ते रहते हैं वो नाग की तरह बने रहते हैं, ये देखिए, इसीलिए इसे नाग चंपा का पौधा कहा जाता है। और ये हमारी नर्सरी में दोस्तों 50 से 60 रुपए के रेंज में मिल जाता है। आप चाहे किसी भी नर्सरी से ये प्लांट खरीद सकते हो और अपने घर में लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों इसे अगर छोटे हाइट का रखना है तो आपको यहाँ से कटिंग कर देना है, तो आपका गमले में छोटे हाइट में खिलता रहेगा। अगर ज़मीन में लगाना है दोस्तों तो ये थोड़ा बड़े हाइट का हो जाता है, लेकिन हम लोग इसे प्रूनिंग करके छोटे हाइट में फूल ले सकते हैं।
और उसके बाद है चंपा का पौधा। चंपा जो मिनी वाला चंपा रहता है दोस्तों, उसमें बहुत सारे कलर आते हैं, पिंक आता है, वाइट आता है, रेड आता है। और इसका दोस्तों जो हाइब्रिड वाला रहता है, हाइट भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो देसी वाला रहता है उसका हाइट दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नर्सरी में दोस्तों सबसे ज़्यादा हाइब्रिड वाला चंपा बिकता है और इसमें भी आपको 12 महीने फूल मिलता ही रहेगा। और इसमें दोस्तों खाद की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, नहीं डालेंगे तब भी ये फूल देता रहता है। और ये पौधा भी हमेशा 12 महीने वाला है और इसमें 0 मेंटेनेंस है। तो इसको आप ज़रूर लगाएं। और इसे गाय, भैंस, बकरी कोई भी नहीं खाता है, इसलिए ये पूरी तरह से सेफ है। और उसके बाद है ये टगर का पौधा। टगर में दोस्तों वाइट कलर का छोटे छोटे फूल खिलता है और छोटे फूल में ये बहुत ही सुंदर दिखता है और ये गुच्छों में खिलता है। तो जिन लोगों के पास जगह की कमी रहती है और गमले में लगाना चाहते हैं तो ये टगर का पौधा आप लगा सकते हो। इसका हाइट दोस्तों 2 से 3 फीट तक रहता है और इसमें दोस्तों आपको हर एक 10 से 15 दिन में खाद दवाई देते रहेंगे तो ये 12 महीने आपका खिलता रहेगा। तो ये भी आप नर्सरी से ख़रीद लीजिए, ये 40 से 50 रुपए में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद है ये दूध मोगरे का पौधा। दूध मोगरा में भी 200 वैरायटी आता है। ये वेरीगेटेड पत्ते वाला है लेकिन फूल आपको सेम देता है। इसमें का एक हरा कलर वाला भी आता है, उसमें भी ऐसा ही फूल खिलता है। तो इसका थोड़ा हाइट बड़ा होता है लेकिन ये अगर गमले में लगाएंगे तो कटिंग करके आप छोटे साइज में फूल पा सकते हो। ये भी दोस्तों आपको 50 से 40 रुपए के रेंज में मिल जाएगा और इसे आप लगाइए और 12 महीने फूल पाइए। और उसके बाद है ये चांदनी का पौधा। ये दोस्तों एकदम छोटे गमले में हो जाता है और इसका हाइट दोस्तों 3 से 4 फीट तक ज़मीन में लगाने से होता है, लेकिन गमले में लगाएंगे तो 1 से 1.5 फीट का रहता है और देखने में भी बहुत सुंदर रहता है और ये भी हमें 12 महीने फूल देता रहता है। तो चांदनी का पौधा तो दोस्तों 30 से 40 रुपये के रेट में मिल जाता है। आप किसी भी नर्सरी से खरीद कर ले आइए और अपने घर में लगाइए। इन सभी पौधों में दोस्तों पानी का भी खास ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद है ये मोगरे का पौधा। देसी वाला मोगरा तो दोस्तों 30 रुपये में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो हाइब्रिड मोगरा रहता है वो 40 से 50 रुपये के रेंज में मिलता है। तो आप नर्सरी से अभी खरीद कर मोगरे का पौधा लगाइए। ये भी दोस्तों 12 महीने फूल देता है लेकिन कभी कभी डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन हम फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे तो ये हमेशा फूल देता रहता है। और उसके बाद है ये हाइब्रिड गुड़हल। हाइब्रिड गुड़हल दोस्तों आप छोटे पॉट में लगा सकते हैं और छोटे पॉट में अच्छे से फूल खिला सकते हैं। इसका जो फूल का साइज रहता है वो बड़े बड़े साइज का रहता है, लेकिन ये जो देसी गुड़हल रहता है इसका साइज छोटा छोटा रहता है। तो लोग ज़्यादातर हाइब्रिड गुड़हल को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, लाल, पीला, गुलाबी, वेरीगेटेड कलर भी मिल जाते हैं और कितने गुड़हल तो काले कलर के भी मिल जाते हैं। तो गुड़हल का पौधा तो सबसे नामियर पौधा है। आप गुलाब लगाइए और गुड़हल लगाइए तो दोनों में ही 12 महीने फूल मिलता रहता है। तो ये सारे जो भी मैंने पौधे बताए हैं ये आप अभी नर्सरी से खरीद कर लेकर आए और अपने घर में लगाइए। ये आपको 12 महीने फूल देते रहेंगे और इनमें दोस्तों फूल पाने के लिए आपको हर एक 15 दिन में फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे, मस्टर्ड केक डालेंगे तो आपका 12 महीने फूल खिलता रहेगा और पौधा भी आपका हरा भरा बना रहेगा। और इसमें दोस्तों ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं, ये बहुत कम रेट में मिल जाते हैं। अगर इसका छोटा प्लांट खरीदोगे तो आप बहुत ही कम रेट में नर्सरी से खरीद सकते हो। थोड़े बड़े साइज के होते हैं तो इसका थोड़ा रेट बढ़ जाता है।
तो आप यही सारे पौधे अभी गर्मी के दिनों में अपने घर में लगाइए और साल भर फूल पाइए। ये सारे फूल वाले पौधे दोस्तों अपने घर में लगाएंगे तो मिट्टी आपको अच्छे से बनाकर ही लगाना है और गमले का साइज भी आपको अच्छे से लेना है, तभी हमारा प्लांट अच्छे से बढ़ेगा और अच्छे से फूल देगा। आप पानी भी दोस्तों आपको समय समय से रहना है और जो भी टहनी सूख जाती है, फूल खिलकर खराब हो जाते हैं, उसकी समय समय पर आपको प्रूनिंग करते रहना चाहिए, तभी ये सारे फूल वाले पौधे हमें 12 महीने फूल देते रहेंगे। तो यही सारे पौधे आप अपने घर में लगाइए और 12 महीने फूल पाइए। ये पौधे दोस्तों जल्दी खराब भी नहीं होते हैं और इसमें ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं लगता है, इसलिए हम लोग हर एक कस्टमर को यही सारे पौधे देते हैं जो आपको हमेशा फूल देते रहे। और मेरा वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे। और दोस्तों मेरे हर एक वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।